चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2021-22 का बजट माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान के गांधी अशोक गहलोत जी ने जोरदार, शानदार और ऐतिहासिक बजट पेश किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें विपक्ष वालों ने कई तरह की बातें की, विपक्ष वालों की बोलती बंद कर दी कि ऐसा बजट पेश होगा किसी को आशा नहीं था। और मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का ऐसा बजट पेश नहीं कर सकता है, इसलिए इनको अशोक महान कहा जाता है। जिस तरह से किताबों में नाम अशोक महान था, तो इसी तरह यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत ये महान हैं। तो हर इसमें वर्ग का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, किसानों को ध्यान रखा गया है, व्यापारियों को ध्यान रखा गया है। इस तरह से ये बजट काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है, जनता में इसका अच्छा प्रभाव है, जनता भी इससे खुश है। जिस तरह से पूरा विश्व और पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, ऐसी परिस्थिति में ऐसा बजट पेश करना वास्तविक में सराहनीय है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब रंगा बिल्ला और चाय वाला और तड़ी पार जो मोमबत्तियां जलवा रहे थे, जो थालियां बजवा रहे थे, ऐसे समय में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कोरोना को लेकर चिंतित थे। उन्होंने निशुल्क दवाई, निशुल्क जांचे, और तो और मेरे विधानसभा क्षेत्र में गुजरात बॉर्डर पड़ता है, रतनपुर बॉर्डर, वहां से लोग जो पैदल पैदल आ रहे थे उनके लिए प्रशासनिक सेवा, उनके लिए फ्री जांचे, फ्री दवाई, उनके खाने की व्यवस्था की, और लोगों के छाले पड़ गए थे, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम क्या है, यह है लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का काम। और विपक्ष वाले कहते हैं कि गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, झूठे वादे किए। अरे झूठे वादे तो इन्होंने किए, 15 लाख खाते में डालेंगे, काला धन लाएंगे, एक सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा, नहीं तो मुझे चौराहे पे लटका देना। कहां गए मोदी जी आपके अच्छे दिन? किसके अच्छे दिन आए? क्या विपक्ष वालों के अच्छे दिन आए? क्या विपक्ष वालों के खाते में लगता है मुझे 15 लाख उनके आए होंगे? ये रंगा बिला की सरकार पूरे देश को बर्बाद कर देगी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। आज किसानों का किसान आज 3 महीने से वह सर्दी कड़ाके की सर्दी में बैठा हुआ है, लेकिन रंगा बिल्ला की नींद नहीं उड़ रही है। ये तड़ी पार और चाय वाला इस देश को बेच देंगे, एयरलाइंस बेच दी, रेलवे लाइन बेच दी। आज किसान जो अन्नदाता है, 3 काले कानून पास किए, किसानों को किसी संगठन से पूछा नहीं गया। ये मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, लेकिन ये विकास के नाम पर एक छिछोरे हैं, एक ढिंढोरा पीटते हैं, खाली राम मंदिर गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर खाली वोट मांगते हैं, लेकिन हर वर्ग का, हर 36 कौम का विकास नहीं कर सकते। मैं साथ ही माननीय सभापति महोदय जी, आपसे, आपके माध्यम से हमारे विधानसभा क्षेत्र में डूंगरपुर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। ये काफ़ी लंबे समय से मांग थी, मैंने अगले बजट में भी दिया था, इसके पहले बजट में, अगले बजट में भी मैंने मांग की थी, तो मुख्यमंत्री जी ने सुना। और कृषि महाविद्यालय TSP एरिया में, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में, आदिवासी एरिया में खुलने का बहुत बड़ा एक हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा सपना था कि यहाँ के बच्चे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते थे, वो आगे कॉलेज नहीं होने के कारण वो सब्जेक्ट चेंज कर दे, पढ़ाई छोड़ देते थे, या तो आर्ट्स या कॉमर्स या दूसरा सब्जेक्ट लेते थे। ये बहुत ही सराहनीय काम है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, मेरी जनता की ओर से, TSP की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद आर्चरी एकेडमी की घोषणा की है। आर्चरी एकेडमी, ये हमारा तीरंदाजी, ये काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि वहाँ पर एक TSP में आर्चरी एकेडमी खोली जाए, तो CM साहब ने एक आर्चरी एकेडमी खोली, वहाँ की हमारे प्रतिभाएं निकलेगी। हमारे इंडिया का प्रतिनिधित्व करते थे लिंबाराम जी, आज वो बीमार हैं। उसके बाद स्वर्गीय जयंतीलाल जी, इन्होंने आर्चरी में हमारे भारत को गोल्ड भी दिलाए हैं, और गोल्ड भी लाए हैं, हमारे देश का नाम रोशन किया इन्होंने। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो डूंगरपुर में
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो मैदान बना हुआ है वो हमारे तीरंदाज स्वर्गीय जयंतीलाल जी ननोमा के नाम रखा जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। उसी के साथ ही डूंगरपुर अस्पताल में आईसीयू में 30 बेड स्वीकृत किए और समस्त राज्य में 5000 से आबादी वाले गांवों में एवं कस्बों में अगले 2 वर्ष में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। ये काफ़ी बहुत बड़ी बात है। भले विपक्ष वालों को अच्छा नहीं लगता होगा, विपक्ष वालों को लगता होगा ये कोई कैसी घोषणा है, लेकिन हमारे आदिवासियों के लिए इंग्लिश मीडियम खोलना बहुत बड़ी बात है। आदिवासी बच्चा, गरीब का बच्चा आज प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता है, लाखों रुपए लगते हैं वहां पर। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 5000 की आबादी पर हर कस्बे में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। इससे हर गरीब का बच्चा, आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में निःशुल्क पढ़ेगा तो फायदा होगा। काफ़ी हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे TSP में ये 5000 की जो आबादी की है इसको 2500 आबादी की जाए तो हमारे हमें और अच्छा फायदा मिलेगा। उसी के साथ ही 50000 भर्तियां की जाएगी 2 साल में, ये हमारे युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो हमारे बच्चे जो गुजरात बॉर्डर से ठेठ राजस्थान बॉर्डर हनुमानगढ़ गंगानगर जो बच्चे बच्चियां प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए आते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, किसी से मांग के लाते थे, कभी बच्चे कंपटीशन एग्जाम छोड़ देते थे क्योंकि उनके पास किराया नहीं होता था। तो ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की देन है कि इन्होंने सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ ही हमारे बेणेश्वर में पुल की घोषणा की है। बेणेश्वर हमारे उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पूरे राज्य से बाहर से आते हैं, वो आदिवासियों का एक कुंभ माना जाता है बेणेश्वर धाम। तो वहाँ आने जाने की सुविधा के लिए पुल की घोषणा की 130 करोड़ रुपए की, तो काफ़ी सराहनीय है। ये हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि आदिवासियों का कुंभ कहला जाता है, वहाँ पर इन्होंने तीर्थ स्थान के नाम पर जाने आने की सुविधा के लिए ये काफ़ी अच्छा बजट दिया है और घोषणा की है कि यहाँ जल्दी ही यहाँ पर पुल बनेगा। उसी के साथ ही मैं अब मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगा। आप भी सभापति महोदय जी TSP क्षेत्र से आते हैं, आप हमारे गुरु हैं, आपके हमारे मार्गदर्शन हैं, आप TSP क्षेत्र की समस्या जानते हैं कि वहाँ पर अभी क्या समस्या है, वहाँ के आम व्यक्ति की क्या मांग है। ये सभी भले पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन सभी की वहाँ की मांग है। तो मैं कहना चाहता हूँ राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में राज्य स्तर पर ST वर्ग हेतु 12% आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र TSP के ST वर्ग के लिए भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर 0.5% प्रावधान लागू किया जावे, ये मांग है। ये आप भी जानते हैं और हमारे साथी भी दूसरे भी TSP के MLA वो भी जानते हैं, ये सबको मांग उठानी चाहिए कि क्षेत्र की हमारी मांग क्या है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र TSP के लिए अधीनस्थ सेवा में आरक्षण प्रावधान जनसंख्या के आधार पर ST वर्ग के लिए होना चाहिए, ये भी प्रावधान किया जावे। डूंगरपुर नगर परिषद बाद में बनी है, डूंगरपुर नगर पालिका बाद में बनी है, लेकिन हमारे गांव में लोग पहले से रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं। पहले भी मैं बात उठाता आया हूं, वहां पर पेराफेरी के नाम पर, मास्टर प्लान के नाम पर नगर परिषद ने जो जमीन एक्वायर कर रखी है, मालपुर, भाटपुर, बिलड़ी, गोकुलपुरा, भंडारिया, सूरपुर, बोरी, आसपास के जो गांव में आदिवासी लोग बसे हुए हैं, तो नगर परिषद ने बिना देखे ही, बिना सर्वे किए उनको नगर परिषद ने वो जमीन अपने नाम कर दी। आदिवासी अनपढ़ होने के नाते उनके पास, आदिवासियों के पास कोई पट्टा नहीं है, कोई जमीन के कागज नहीं है, लेकिन वहां पर मकान बनाकर बरसों से रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं।
कुआ है, ट्यूबवेल है, और नगर परिषद उनको अतिक्रमण हटाओ यूं करके उनको रोज रोज परेशान कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से दो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि बरसों से जो लोग बैठे हुए हैं उनको प्रशासन शहरों के संग भी जो शिविर लगेगा, सीएम साहब ने घोषणा की है, सर्वे कराकर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको खातेदारी हक मिलनी चाहिए, यह मैं मांग करता हूं। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में शराब की दुकान के आवंटन में एसटी वर्ग हेतु 100% आरक्षण लागू किया जाए। अब सब कहते हैं कि आदिवासी ही शराब पीते हैं, आदिवासी ही दारू बेचते हैं, तो फिर वहां पर टीएसपी में शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए, अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। हमारे जो आदिवासी लोग, जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, किसी वार त्योहार, किसी के मौत मरण पर हमारे पूर्वजों को हमारे धार चढ़ाते हैं, वो हमारे देशी महुआ होता है, उसके फूल से जो बनाते हैं, जो भी रस निकलता है उसकी हम पूजा अर्चना में चढ़ाते हैं, और पुलिस वाले एक बोतल या दो बोतल किसी के घर में मिल गया तो उसका 8 बोतल का झूठा मुकदमा बनाते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं या पेशी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी संस्कृति परंपरा उसके अनुसार हमें 8 या 10 बोतल हर आदिवासी जो भी है उसको रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। या तो हमारे टीएसपी में अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो आदिवासी खाली बदनाम हो रहा है, और वहां पास में रहता है पूरा अंग्रेजी शराब जो है वो पूरी गुजरात वाले लोग पी रहे हैं, तो आदिवासियों को खाली यूं ही बदनाम किया जा रहा है कि आदिवासी पूरे दारू पीते हैं, तो हमारा और आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है। आदिवासी जाएगा वहां 1000 रुपये की बोतल लेने, 1000 रुपये कहां से निकाल के लाएगा? तो आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, 8-10 बोतल की हमें छूट मिलनी चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग है। उसी के साथ अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में नगर पालिका नगर परिषद द्वारा आवासीय एवं वाणिज्य प्लॉट की नीलामी एसटी वर्ग हेतु आरक्षित की जावे। अनुसूचित 5 अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र जनजाति क्षेत्र हम कह रहे हैं, लेकिन वहां पर जो प्लॉट की नीलामी होती है उसमें आदिवासी का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं रखा जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं, नगर परिषद में जो भी प्लॉट की जो भी नीलामी होती है उसमें आदिवासियों को आरक्षण विशेष करके दिया जाए कि वो भी नीलामी में भाग ले सके। डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय खोला गया, मैं सीएम साहब से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसका नामकरण डूंगरपुर किसने बचाया, डूंगरपुर का संस्थापक कौन था, डूंगरपुर के नाम से डूंगरिया भील एक सरदार था, एक राजा था आदिवासियों का, उसके नाम से नामकरण किया जाए कृषि महाविद्यालय का, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि डूंगरपुर अंडा के नाम से कृषि महाविद्यालय का नाम होना चाहिए। उसी के साथ माननीय सभापति महोदय जी, शहरिया के लिए नरेगा में कथोड़ी जनजाति के लिए 200 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, काफ़ी सराहनीय हैं, लेकिन हमारे टीएसपी एरिया में भी 200 दिन होने चाहिए नरेगा में। हमारे वहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई खेती नहीं है, किसी के पास उबड़ खाबड़ जमीन है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, 1 बीघा जमीन है किसी के पास 1.5 बीघा जमीन है, हमारे लोगों को प्लान होना पड़ता है गुजरात सूरत महाराष्ट्र। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे टीएसपी एरिया के लिए भी नरेगा में 200 दिन किए जावे, ये मैं मांग करता हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में 250 मां बाड़ी की घोषणा की है,
वो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे टीएसपी एरिया में 1000 कम से कम माँ बाड़ी नहीं स्वीकृत की जाए, वहाँ घोषणा 250 से बढ़ाकर 1000 की जाए। माननीय सभापति महोदय जी, 1167 को लेकर शिक्षक उपद्रव जो मामला हुआ था, पूरा राजस्थान भी जानता है और पूरा हिंदुस्तान भी जानता है। 50% अनारक्षित पद थे, 5% एससी के थे, 45 एसटी के थे। तो जो इसमें अनारक्षित पद के लिए 60% पात्रता थी और एसटी के लिए 36 पात्रता मानी थी। ये रिट पिटिशनर पहले भी बैठे थे, इनकी मांग थी, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि पहले भी हर डिपार्टमेंट की भर्तियाँ निकली, एसटी कोटे की रिक्त रही सीटें दूसरे वर्ग से भरी गई, तो ये अनारक्षित पद थे, इसमें 60 वाले सब हो गए थे, तो इसमें ये 36 वालों को पात्र माना था, तो 1167 एसटी के बच्चों को भी ले सकते थे। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती की वजह से, जब 36 माना है उसको पात्र, तो उसको लिया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से काकरी डुंगरी पर जो उपद्रव हुआ, वो कौन लोग थे, किसके कहने पर वो बच्चे वहां पर चढ़े, वो लड़के वहां पर 2 दिन पहले उतरने वाले थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कौन से नेता ने उनको वहां पर उकसाया, किस नेता ने रोड जाम करवाया, किस नेता ने लूटपाट, ये जिस तरह से आगजनी का काम कराया। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो हाईवे के आसपास जो लोग बसे हुए हैं, उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ना की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको मुकदमों में फंसाया जा रहा है, लेकिन जो लीडर थे, जिसने बुलाया, जो नेता थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? गरीब के ऊपर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? भले किसी भी दल का नेता हो, मैं माननीय सभापति महोदय जी आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से काम मांग करता हूं कि इस काकरी डुंगरी की सीबीआई जांच होनी चाहिए, भले वो कोई भी दल का नेता हो, उसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, और निर्दोष जो रिट पिटिशनर थे, उनके ऊपर जो मुकदमे झूठे लगाए हैं, वो मुकदमे वापस लिए जाए, ये मैं आपसे मांग करता हूं माननीय सभापति महोदय जी। उसी के साथ टीएसपी एरिया में डूंगरपुर में सिंचाई की सुविधा नहीं है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वहां हमारे पुराने कुएं हैं, उनको गहरा किया जावे, उनकी पक्की मुंडेर किया जाए, या तो नई कुएं सैंक्शन किए जाए। वहां पर स्थिति ऐसी है, बारिश का पानी खाली दिखता है, उसके बाद पूरा पानी गुजरात बहकर चला जाता है। हमारे जनजाति मंत्री भी बैठे हुए हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप बड़े बड़े बांध बनवाएं, बड़े बड़े एनीकट बनवाएं, जिससे पानी रुक सके और हमें वहां पर हमको लाभ मिल सके। माही डैम के माध्यम से बांसवाड़ा तो बहुत काफी आगे चला गया है, लेकिन डूंगरपुर काफी पीछे रह गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने कुएं गहरे कराए जाए, नए कुएं खुदवाए जाए और कुएं के चारों ओर पक्की बाउंड्री वाल की जाए, ये मेरी आपसे मांग है। चठोड़ा, कंडूला, मजोला, छेला खेरवाड़ा, ये गांव नदी के आसपास हैं। अगर यहां लिफ्ट परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा हो जाती है, तो वहां आसपास वाले गांवों को काफ़ी सुविधा होगी। वहां काश्तकार पानी है, लेकिन साधन नहीं है। अगर लिफ्ट परियोजना के माध्यम से वहां सिंचाई होगी, तो काफ़ी आदिवासियों को फायदा होगा, सिंचाई होगी। इसी के माध्यम से पाल देवल नया ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 25 किलोमीटर लोग बिल भरने जाते हैं, वो भी हाईवे से, और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पाल देवल में एक 132 का जीएसएस नया खोला जाए,
वो हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं जो हाईवे पार करके जाते हैं, जो 25 किलोमीटर बिल जमा कराने जाते हैं, वो आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वह हमारे पाल देवल में 132 जीएसएस खोला जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है। मैं लास्ट में कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, बेड़ा नाका निकट निर्माण आमजेरा पंचायत समिति बिछेवाड़ा डूंगरपुर जिला सोम नदी पर सटोड़ा में एनिकट निर्माण ग्राम पंचायत भटवाड़ा पहुंच सड़क रतनपुर से माखेड़ा सड़क पर पुलिया मरम्मत कार ग्राम पंचायत खजूरी पंचायत समिति बिछेवाड़ा पहुंच सड़क मालमाथा कालकी माता से कालापाड़ा गुजरात सीमा तक सड़क निर्माण फारकी माता के पीछे एनिकट निर्माण रतापाणी ग्राम पंचायत जलाना डूंगरपुर से देवसोमनाथ तक सड़क चौड़ी कर सुदृढ़ी कराने जैसे काम मालमाथा से कालापाड़ा सर मैंने अगले बजट सत्र में भी बोला था, वहाँ आज़ादी से अभी तक रोड नहीं बना है, गुजरात सीमा तक टच होता है। और प्रशासन गांवों के संग प्रशासन शहरों के संग जो हमारी सरकार ने जो माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो कैंप लगाएंगे उनको पट्टा देने की घोषणा की है काफ़ी तारीफ़ें काबिल है। जनता काफ़ी वर्षों से वहाँ बैठे हुए हैं, उनको पट्टा मिलेगा तो काफ़ी फायदा होगा। उससे आदिवासियों की मांग थी और वन अधिकार के पट्टे भी बहुत जल्दी दिए जाएंगे। तो ये शिविर जल्दी से जल्दी लगाए जाए, उद्घोषणा कराई जाए, जिससे लोगों को बरसों से बैठे हुए हैं उनको फायदा मिले। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। श्री बलवंत पुनिया। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस